अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो साबूदाना लिया है। इसे अच्छे से धोकर भिगा लेना है। देखिए, मैंने इसे पानी में भिगा दिया है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना हमारा साबूदाना स्टिकी हो जाएगा। इसमें थोड़ा ही पानी डालना है हमें। साबूदाना को हम 4 घंटे के लिए भीगने छोड़ देंगे। देखिए, साबूदाना भिगा कर हमें काफ़ी टाइम हो गया है और हमारे साबूदाने कितने खिले खिले हैं। इसमें कम पानी ऐड करेंगे तो आपके साबूदाने खिले खिले रहेंगे। अब मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को अच्छे से भून लेंगे। जब ज़ीरा हल्का लाल हो जाएगा फिर इसमें हम एक बड़े साइज़ का बॉइल पटाटा ऐड कर देंगे। इसे मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। बटाटे को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तेल में। देखिए, बटाटा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 4 हरी मिर्ची को बीच में से कट कर लिया है और थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मैंने इन सबको अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। साबूदाने को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने भुना हुआ सेंग ले लिया था, इसे मैंने मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब इसमें कोथमीर ऐड कर देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। देखिए, 5 मिनट हो गया, साबूदाना हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए, रेडी है साबूदाने की खिचड़ी। चलिए मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बना था, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।